बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। एक मुझे वॉइस मैसेज मौसूल हुआ है, ये है पोठवारी में ही है, क्या कहते हैं? मेरी जान, जो जो पानी नहीं पीती उनकी प्यास बढ़ाने के लिए एक मेरा देसी फार्मूला है, वो आजमाएं। वो है अदरक, आधा पाव अदरक ले लें, प्याज आधा किलो प्याज ले लें, और हरी मिर्चें हैं आजकल मिलती हैं बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, ये को आधा पाव हरी मिर्चें ले लें, इनको सबको कूट के तो मुठियों से दें इनको एक एक को, और देखेंगे इंशाल्लाह ताला खूब पेट भर के पानी पिएंगी, प्यास लगेगी उनको, ठीक है मेरी जान? और बाकी जो कम खाती हैं उनकी भूख बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि आप देसी चाहेंगे, उनका भी देसी इलाज ये है, मेरा पुराना नुस्खा है भूख बढ़ाने के लिए, कम खाती हों भैंसें तो उनके लिए एक छटाक मोटी इलायची, जो काली इलायची नहीं होती मोटी इलायची, वो एक छटाक ले लें, और बीज वगैरह साथ ही उनको कूट लें अच्छी तरह, और उसमें आधा किलो गुड़ वो डाल के दो तीन साथ, उसमें आधा पाव मीठा सोडा डाल लें, कोई 100 ग्राम डाल लें मीठा सोडा, यानी मीठा सोडा गुड़ और मोटी इलायची एक छटाक 50 ग्राम बनती है, तो इनको सबको अच्छी तरह कूट के फर्स्ट क्लास है, ये भी मुठियों के साथ दें, खूब देखेंगे कि भूख इनको लगेगी, अल्लाह फजल करेगा, दुआ भी करूंगा, ठीक है मेरी जान? अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम क्योंकि अब करीब आ रहे हैं हज भी और ईद उल अज़हा, तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एक हदीस मुबारक का, पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है कि रिश्तेदारी को क़ता करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें फीमा अल्लाह।